और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। MPCB के खिलाफ बेलापुर में नागरिकों का मोर्चा, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों का किया घेराव, मांगी स्वच्छ हवा। तलोजा में जहरीली हवाओं का जोर, एयर पॉल्यूशन जो इतना ज्यादा हो रहा है उसको, उसके लिए कुछ करा जाए जिसमें कि हम लोग एक हेल्दी लाइफ जी सकें। प्रदूषण से बिगड़ रही लोगों की सेहत, बहुत तकलीफ होती है, सांस नहीं ले पाते। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं में फैल रही खतरनाक बीमारियाँ, मार्शल कंट्रोल बोर्ड है, इनको कुछ लेना देना नहीं, खाली की जेब गर्म हो रही है। शिकायत के बाद भी क्यों नहीं सुन रही MPCB? हमारी डिमांड्स अटेंड नहीं होते, हम लोग उपोषण के लिए यहाँ पे बैठने वाले हैं। जी हाँ, यही वो गंभीर सवाल हैं जिन्हें लेकर खारघर तलोजा सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ने आज बेलापुर में स्वच्छ श्वास आंदोलन चलाया और MPCB कार्यालय का घेराव किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष मंगेश रनवड़े ने कहा कि बीते 4-5 सालों से इलाके के रहवासी गंदी और जहरीली हवाओं के साए में जीने को मजबूर हैं, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी हैं कि शिकायत के बाद भी कंपनियों पर कार्रवाई को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, स्वच्छ पर्यावरण के लिए यह आर पार की लड़ाई है और हम आगे भी लड़ते रहेंगे। हम लोग ने सबने पैसा इकट्ठा करा और उसका उसकी जाँच की, MPCB अप्रूव्ड लैब से जाँच की। वो लैब ने अहवाल के तौर पे जब हमको ये सब चीज़ें बताई तो वो धक्कादायक थी। इसमें ये बताया गया कि प्रदूषण लेवल 3 टाइम हाई है नॉर्मल लेवल से, और उससे ज़्यादा है कार्बन मोनोक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि हार्ट डिजीजेस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज, जो बोलते सांस की बीमारी और हृदय विकार, ये बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन MPCB एक संस्था है, बहुत शिथिल तरह से काम करते हैं, निष्क्रिय तरह से काम करती है। हमने उनको 15 तारीख को एक लेटर भेजा था कि ये देखो, हम लोग ने एक जांच कराई है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है। आज तक हमको उसको रिप्लाई नहीं मिला है। फिर हम लोग ने वापस रिमाइंडर 20 तारीख को भेजा, प्लीज़ हमको रिप्लाई किया। जब इस तरह से ये उनका रवैया हो तो हम जैसे नागरिक को कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि इस तरह से रोड पर आए और आंदोलन करें। सो ये आज का आंदोलन MPCB के विरुद्ध है, ना किसी सरकार के विरुद्ध है, बिकॉज हर एक सरकार तो पूरा टर्म्स एंड कंडीशन लिख के रखे कि सरकार जो अधिकारी है उन्होंने क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वो बराबर लिखे हुए हैं, बट दे आर नॉट डूइंग इट। यही हमारी एक आंदोलन का मेन उद्देश्य आज का है कि आर या पार की लड़ाई हम लोग ने ले ली है। ये अगर आज की हमारे 9 पॉइंट की हमारी डिमांड है, अगर उसमें से हमारी डिमांड्स अटेंड नहीं होते तो हमारे 4 भाई हैं इंक्लूडिंग मी, हम लोग उपोषण के लिए यहाँ पे बैठने वाले हैं। वहीं स्वच्छ श्वास आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे नगर सेवक हरेश केनी और खारघर सोशल फोरम की संचालिका नगर सेविका लीना अर्जुन गरड़ ने खुला आरोप लगाया कि MPCB के भ्रष्ट अधिकारी अपनी काली कमाई के लिए ही पर्यावरण का विध्वंस करवा रहे हैं, और इसीलिए तलोजा में CETP प्लांट हो या दूसरी प्रदूषण निरोधक यंत्रणा, सबके सब फेल और बेकार पड़े हैं, जिन्हें तत्काल सुधारने की जरूरत है। आज खारघर तलोजा वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे जो प्रोटेस्ट जारी हुआ है, लास्ट टाइम हमारे खारघर फोरम, ये भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों ने लास्ट ईयर इसके अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट रैली निकाली थी। उसके बाद ये जो ETP प्लांट के लिए, अभी आपने देखा होगा तलोजा इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी कुछ 10-12 इंडस्ट्रीज हैं जहाँ से ये पॉइजनस गैसेज रिलीज होती हैं, और जो पॉइजनस गैसेज रिलीज होती हैं उनको फिल्टर करने के लिए जो ETP प्लांट है, ये सब नॉन वर्किंग कंडीशन में है। तो ये जो प्लांट्स हैं इनका रिपेयर होना ज़रूरी है, इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, बट ये प्लांट्स रिपेयर नहीं करते हैं। और महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, खाली इनको नोटिस दे देते हैं, इनको 10 करोड़ का नोटिस भी दिया गया है, बट ये इंडस्ट्रीज ने किसी ने अभी तक भरा नहीं है। इसके बावजूद भी ये कंट्रोल बोर्ड कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि कहीं पर करप्शन चल रहा है काफ़ी बड़े लेवल पर, जो हमारे पब्लिक्स हैं, जो कॉमन मैन हैं, इनसे खिलवाड़ हो रहा है। बिकॉज आजकल हम देखते हैं रोड पानी ये समस्या ठीक है, बट ये जो शुद्ध हवा के लिए हम लड़ रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है, और इसमें हमें इसके लिए हमें लड़ना ही है,
अदरवाइज ये मार्शल कंट्रोल बोर्ड है, इनको कुछ लेना देना नहीं, खाली इनकी जेब गर्म हो रही है, इसमें इनका भला हो रहा है, लेकिन सोचते नहीं कि आगे आने वाली पीढ़ी पर क्या असर होगा, ये बिल्कुल भी नहीं सोचते नहीं है। तो इसी के लिए हम खारघर फोरम, खारघर तलोजा वेलफेयर एसोसिएशन और भी हमारे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मिल के इसके विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं। आंदोलन में शामिल कलम्बोली, कामोठे, पनवेल, बेलापुर और रोडपाली समेत कई इलाकों के नागरिकों ने भी स्वच्छ हवा और प्रदूषण मुक्त वातावरण की मांग करते हुए कहा कि जहरीली हवाओं के कारण बच्चों हो या बूढ़े श्वास और त्वचा रोग की मुसीबत झेल रहे हैं। ताज्जुब इस बात का है कि इस पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी खामोश हैं, जबकि नागरिक अपनी व्यथा सुना रहे हैं कि एमपीसीबी ने उन्हें गैस चैम्बर में छोड़कर उनका जीना हराम कर दिया है। 2012 में जब रोडपाली में हम लोग रहने आए थे, हमने ऑब्जर्व किया, हमने एक एसोसिएशन फॉर्म की, रोडपाली रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। हम जब रोडपाली में रहने आए तो उधर सरकार ने गृह तो निर्माण किए थे, पर एक भी घर और एक भी पेड़ का कहीं वृक्षारोपण नहीं हुआ था। हम सब रहीवासियों ने सहयोग करके हजारों पेड़ लगाए वहाँ पे। वो एक माध्यम था कि हम पॉल्यूशन से फाइट कर सके। उसके बाद भी पेड़ लगाने के बाद हमको कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिला। इसके बाद हम आज फाइट कर रहे हैं। आज मेरे और हमारे यहाँ के जितने बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबके चेस्ट कंजेशंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विंटर में। एक्सट्रीम कॉफ, हेडेक्स, ये सब मॉर्निंग वॉकर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं टेक्निकल पैरामीटर्स पे नहीं जाता, बट बेसिक पैरामीटर्स ये हैं कि आपको इस दौरान तकरीबन 90% लोगों में खांसी की समस्या, सांस लेने की समस्या, ये काफ़ी ज़्यादा है। और ये डॉक्टर्स के पास आप जाके फीडबैक मेडिकल हॉस्पिटल्स में ले सकते हैं कि हमारे एरिया में खांसने की, सांस लेने की समस्या, अस्थमेटिक किड्स, बच्चों को, 2 साल के बच्चों को, 1 साल के बच्चों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, चर्म रोग की प्रॉब्लम है, शरीर में खुजली आना, काफ़ी ज़्यादा लोगों की ये प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, ये हर एक इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है और ये हर देश के लोगों का कर्तव्य है कि पोल्यूशन के अगेंस्ट लड़े। हम एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में इतना ही कर सकते हैं कि सरकार को बोल सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, हमारा एरिया साफ कर सकते हैं। उसी ढंग से इंडस्ट्रीज का भी कर्तव्य होता है कि अपने वातावरण को सुंदर और स्वच्छ बनाए। जहरीली गैस, जहरीले कण इस जगह पे अगर नहीं हो अधिकृत तौर से तो काफ़ी अच्छा होगा सभी के लिए। यहाँ पे हम लोग 5 साल से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, जब भी हम शिफ्ट हुए तो काफ़ी सारा स्मेल आता था। हम लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया, रोडपाली रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ये मुद्दे को हम लोगों ने उठाया था, हमारे यहाँ से मिस्टर विठल पांडुरंगा जी ने काफ़ी इश्यू लिए थे, उनको एक कमेटी का इस तरह शामिल भी किया था, पर उसके बाद सिर्फ दिलासा देते रहे और उसके बाद मैटर को दबा दिया गया। अभी ऐसा हो गया कि हमारे बच्चे यहाँ पे की बहुत तकलीफ होती है, सांस नहीं ले पाते हैं। अभी हम यहाँ पे जो खारघर तलोजा सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ने जो मुद्दा लिया है, हम टोटली उनका सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे और एक मेजर इशू जो हो रहा है वो गार्बेज बर्निंग हो रहा है, जो पोल्यूशन को और बिगाड़ रहा है, उसको भी हमको एक प्रॉपर तरीके से टैकल करना है। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे अपने गवर्नमेंट से कि अपने नॉर्म्स तो बना दिए हैं, प्लस कंपनी को इम्प्लीमेंट करने बोलिए कि आप वो नॉर्म्स को फॉलो करें। जैसे वो इम्प्लीमेंट करने बोलेंगे, फॉलो करने बोलेंगे, फाइंस लगेगी। मेरे को लग रहा है कि हर एक कंपनी जिस दिन फॉलो करेगी ऑटोमेटिकली स्मेल कम हो जाएगा, पर उसके लिए गवर्नमेंट का यहाँ पे बीच पे आके सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रहा बचा एमपीसीबी का, वो अगर काम कर रहे या नहीं कर रहे, अगर हमारा गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन आ गया डेफिनेटली ये जरूर इम्प्रूव होगा। हम लोग यहाँ पे जमा है यही मुद्दे को लेके कि हमको यहाँ से हमारे बच्चे को, हमारे फैमिली को प्लीज़ आप ये हवा से मुक्त कीजिए, खतरनाक हवा से मुक्त कीजिए ताकि हम चैन की सांस ले पाए। 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, पहले भी रात भर स्मेल आती थी पोल्यूशन की, अब तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। और मेरा बेटा भी यहाँ रहते हुए अब 6 साल का हो गया है, बार बार कंजेशन आता है, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इनफैक्ट हम लोग को भी बहुत स्किन प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट एयर पोल्यूशन, आई फील वाटर इज़ ऑल्सो टू एन एक्सटेंट पोल्यूटेड हेयर। तो उसके खिलाफ ही हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स हाई टाइम
हम लोग अपना कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज, बट बच्चे लोगों को सफ़र करते हुए नहीं देख सकते। तो हम सबकी भी वही शिकायत है कि बच्चे लोग थोड़ा भी खेलते हैं सांस फूल जाती है और कई बच्चों को अस्थमा हो जाता है। ये सब चीज़ें देखते हुए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, उस समय वॉक करना तो कम होता है, सांस ज़्यादा फूलती है और उस वजह से अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है, चलना भी भारी पड़ जाता है। घर में ग्रैंडसन है, उनको भी हर समय आए दिन चेस्ट कंजेशन हो जाता है, डॉक्टर्स के पास लेकर जाओ, सब कुछ करो। खुद के लिए भी प्रॉब्लम्स होती बहुत ज़्यादा, सांस लेना मुश्किल हो जाता है खुद का भी। तो इसलिए हम लोग आए हैं कि मतलब एयर पॉल्यूशन जो इतना ज़्यादा हो रहा है उसको उसके लिए कुछ करा जाए, जिसमें कि हम लोग एक हेल्दी लाइफ जी सकें। फिलहाल मोर्चा और धरने के बाद MPCB ने ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उम्मीद है प्रदूषण नियंत्रण विभाग अपना वादा जरूर निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।